देखो, लाभ हानि का अब सभी क्वेश्चंस का चार पांच टाइप बताए हैं। सभी टाइप का क्वेश्चन को लॉन्ग में सॉल्व करने के लिए बता दिया। अब उसी क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेगा, बाय ट्रिक से, ट्रिक के मेथड से, ये देखो। ठीक है, तो ट्रिक के मेथड से जैसे देखो, अगर कोई वस्तु का दाम है CP 600, ठीक है, कितना दाम है CP 600। लाभ हानि का क्वेश्चन ट्रिक से देखेगा बनाने के लिए। CP कितने दिया हुआ है? 600। इसका बोल रहा है कि हानि हुआ 12%। हानि कितना हुआ? 12%। तो हम लोग जानते हैं कि CP कितना परसेंट में होता है? 100%। कभी भी CP 100% में होता है। हानि हो रहा है तो 100% से कम आ रहा है, लाभ होगा तो 100% से ज्यादा होगा। समझ गया? तो बताओ, लॉस हो रहा 12%, तो ये 100% की जगह कितना परसेंट रहेगा? 100 में घटा दो 12, कितना होगा? 100 में 12 घटाएगा कितना बचेगा? 88। तो CP का 88% निकाल लो, हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट SP आ जाएगा। CP कितना? 600। 88%, 10, 20, 20 कट गया, 6 गुना 88, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 6 48, बच गया 4, 8 6 48 और 4 52, 528 रुपया क्या आ गया? SP। समझ में आया? अगर इसी जगह पर देखो, सिंपल सर, CP 600, 600 मतलब CP हम लोग जानते हैं वो कितना परसेंट पे होता है? 100% पे, 100% पे होता है। लाभ हो रहा है 100 से ज्यादा, जितना लाभ हो रहा है, 6% लाभ है तो कितना निकालेगा? 106%। हानि हो रहा है 12%, तो कितना करे निकालेगा? 100 में 12 घटा देगा, 88%। किसका 88%? CP का, हमेशा CP का। समझ गया? देखो, SP जो है CP का जगह गुना 88% निकल गया, बाकी 20 20 काट देगा, 88 को 6 से गुना कर देगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। इसके जगह पर आप देखो, यहां पर क्या करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट, अगर 12% लाभ कमा रहा है तो कितना में बेचा होगा, ये निकालने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। SP निकालेगा तो CP का प्रॉफिट हो रहा है, 100 में जोड़ेगा कि घटाएगा? जोड़ेगा। 100 में कितना जोड़ेगा? 12। जोड़ के कितना हो रहा है? 112। CP का 112% निकालो, परसेंट मतलब बटा में 100। CP कितना? 600। 112 बटा में 100, 20 कटा कटा ना, इसको 6 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 672 आएगा। आसान है कि नहीं? CP दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ, CP दिया मतलब 100%, 100% वाला यहाँ पर प्रॉफिट है, मतलब कि 100 से ज्यादा में बेच रहा है। कितना ज्यादा में? 12%। तो 100 प्लस 12, 112%। सीधी सी बात, CP का 12% निकाल दो। समझ गया? CP का कितना परसेंट? 12% बन जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो, एक मशीन का दाम है 800। कितना दाम है? 800। उसमें 7% हानि पर बेच रहा है, हानि मतलब कम में, 100% से कम में कि ज्यादा में? कम में। तो यहाँ पर इसको 800 में खरीदा है, 800 में, हाँ 800 में खरीदा, 7% हानि, हानि मतलब लॉस, लॉस परसेंट है 7%। CP 100% में है, ठीक है, लॉस 7%। तो अगर यहां पर SP निकालेगा तो CP का कितना परसेंट निकालेगा? CP का कितना परसेंट निकालेगा? 100 में 7 घटा के ना, लॉस है, घटाएगा तो कितना बचेगा? 93% है ना, 93% बटा में 100 लिख सकता है। CP कितना? 800, 93 और बटा में 100, 20 कटेगा, 8 से गुना करो, 8 3 24, 2 बचा, 8 9 72 और 2 74 रुपया लॉस के साथ। 800 में खरीदा था, 7% लॉस में बेचा, तब 744 रुपये में बेचा होगा। आसान है? दूसरा टाइप को इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएगा, दोनों साथ में समझ लो, लॉन्ग वाला भी शॉर्ट वाला भी है। CP नहीं दिया हो तो CP क्या मान लेगा? X।
इसका दिया हुआ यहाँ पर कौन सा बनाए, हाँ ये बनाते हैं, सीपी नहीं दिया हुआ है, इसका एसपी दिया हुआ है 4400, बनाया था ना ये क्वेश्चन, और इसमें लाभ आने की प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%। तो सिंपल सा है कि ये जो होता है कितना परसेंट में, 100% में। अब देखो ये 100% में है सीपी 100%, और इसको सीपी को 10% लाभ पर बेचा, मतलब 100% से ज्यादा में बेचा कि कम में बेचा, लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, ज्यादा में बेचा, तो कितना ज्यादा में बेचेगा, 10%। तो कितना परसेंट में बेचा होगा, 110% में, यानी कि सीपी का, सीपीएक्स का 110%, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, एक्स का 110% में बेचा होगा, तब कितना रुपया आ रहा है, 4400। 100 कटेगा, सबको उधर ले जाओ, 4400 यहाँ भागा में 10 और गुना में 100 है, तो उधर जाकर किस में होगा, 11 से काट देगा 44 को कितना बार में, 4 बार में, ये 20 है तो 20 बैठ जाएगा। अब क्या आ गया, 4 पर 20 और यहाँ से 10, 10 से गुना करेंगे 10 बैठ जाएगा। देखो सिंपल सा, सीपी नहीं दिया होता एक्स मान लिया, एसपी दिया होता लिख दिया, प्रॉफिट परसेंट 10% लिख दिए, सीपी 100% पे होता है, प्रॉफिट ज्यादा में बेचेगा, 100 + 10 110% में बेचेगा, किसका 110, ये याद रखना, किसका 110, सीपी का, सीपी एक्स था, एक्स का 110% निकाल, यहाँ पर जितना आएगा वो कितना बराबर होगा एसपी, जो कि दिया हुआ है 4400, बराबर में 4400 लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स बराबर 4400, 10 ये तो 0 कट गया, तो 10 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा, ये कटेगा 11 से कट गया 4 बार में, 20 बैठ गया, 20 और 10 3 0 और ये 4 का 4, सिंपल सा है। सीपी कितना निकल गया, कितना निकल गया सीपी, 4000।